आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गाजर लेंगे। गाजर को अच्छे से धो के छील के पहले उसको छीलेंगे, छील के उसको बढ़िया से धोएंगे और उसके बाद ग्रेट कर लेंगे। एकदम महीन पतला वाला जो होता है ग्रेटर, उससे ग्रेट करेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे ग्रेट किया हुआ है। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून, और फिर उसमें ग्रेटेड गाजर को डाल देंगे। डाल के फिर उसको थोड़ी देर पकाएंगे, वो 10 मिनट, 10 मिनट के लिए उसको पकाएंगे अच्छे से। थोड़ा बीच बीच में चलाते जाना है कि नीचे से लगे नहीं ऐसे, नहीं तो ऐसे छोड़ देने से क्या है, जल जाएगा। अभी उसको देखिए इस तरह से ऐसे बढ़िया से वो थोड़ा ऐसा सॉफ्ट हो जाता है जब, तब फिर उसमें हम 2 केजी गाजर है इसलिए, तो इसमें हम 1/2 लीटर दूध डालते हैं। बॉइल्ड किया हुआ दूध है, 1/2 लीटर दूध डाल रहे हैं इसमें। और 1/2 लीटर से ज़्यादा 1 लीटर भी डाल देंगे, लेकिन वो फिर क्या होता है पकने में बहुत टाइम लेता है, तो इसमें क्या है कि बस 1/2 लीटर डालें। एकदम अच्छा सा गाढ़ा किया हुआ दूध है ये 1/2 लीटर, तो उसको 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 250 ग्राम ज़्यादा ही है, 750 ग्राम दूध है। अभी फिर उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू, आलमंड, किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश जब थोड़ा दूध एकदम जल जाएगा इसका उसके बाद डालना है, क्योंकि किशमिश डालने के बाद फिर ये दूध फट जाता है। और फिर उसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे, 2 केजी गाजर है तो इसलिए 200 ग्राम चीनी डालना है। फिर उसमें 1 टी स्पून कार्डमम पाउडर अच्छे से डाल के फिर उसको 20-25 मिनट तक, 20 मिनट उसको पकाएंगे बढ़िया से। पकाने के बाद में देखिए इस तरह से ऐसे सूख जाएगा बिल्कुल, कोई खोआ कुछ का ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया गाजर का हलवा टेस्टी अभी रेडी है। और आप गर्मा गर्म सर्व करिए, और अच्छा लगे तो इसे ट्राई भी करिए।